नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे बिल्कुल नए यूट्यूब चैनल एडी मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, वो वीडियो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आज आप जहाँ पर काम कर रहे हो, क्या आप एक सेफ जोन में काम कर रहे हो या आप आज एक डेंजर जोन में हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से देखते रहिए। आखिर वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक बात का एहसास हो जाएगा कि आज आप जहां पर काम कर रहे हो, क्या आज आप एक सेफ जोन में काम कर रहे हो या नहीं। दोस्तों, 1997 में एक कंपनी मार्केट में आई जिसका नाम था कोडैक। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। उस समय जहां भी हम जाते थे, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए रहते थे, उस पर कोडैक का नाम लिखा रहता था। उस समय किसी को भी अगर फोटो निकालना है तो वो कोडैक कैमरा और कोडैक का रोल ही यूज करता था। दोस्तों, समय के साथ इस कंपनी में 2 लाख लोग काम करने लगे। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख लोग इस कंपनी में काम करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मार्केट में डिजिटल फोटोग्राफी आई और ये कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। दोस्तों, 2 लाख लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। दोस्तों, आपको भी ये सोचना है कि अगर आज आप कोई टीचर हो, आप प्रोफेशनल लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, क्या आप एक सेफ जोन में काम कर रहे हो। दोस्तों, क्या कमी थी इस कंपनी में जो ये कंपनी रातों रात मार्केट से बाहर हो गई। दोस्तों, आपने HMT का नाम सुना होगा, एक फेमस घड़ी की कंपनी थी। उस समय हर कोई अपने हाथ में HMT की घड़ी पहनता था दोस्तों, लेकिन समय के साथ डिजिटल वॉचेस मार्केट में आ गई और ये कंपनी भी दोस्तों मार्केट से बाहर हो गई। इस कंपनी में भी जो लोग काम करते थे अपना रोजगार खो बैठे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अभी अभी एक ट्रायल हुआ है जिसमें विदाउट ड्राइवर की कारें आपने रोड पर चलती हुई देखी होगी। अभी अभी एक ट्रायल हुआ है, इसका मतलब आने वाले समय में जो लोग ड्राइवर का जॉब करते हैं उनके लिए भी कोई जॉब नहीं रहेगा। समय दोस्तों बदल रहा है। इन तीनों, ये जो 2 कंपनी थी, पहली कोडैक और दूसरी बार ये HMT, दोनों बेहतरीन कंपनी थी दोस्तों, लेकिन ये मार्केट से क्यों बाहर हुई, इसके पीछे एक कारण है, वो है इन कंपनियों ने खुद को अपडेट नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, आपको ये सोचना होगा कि 10 साल के बाद भी मार्केट को आपकी जरूरत वैसी ही रहेगी क्या। अगर आज आप जो काम कर रहे हो उसको आप अगर इंप्रूव नहीं करते हो, उसको आज आप अगर डेवलप नहीं करते हो, तो दोस्तों 10 साल के बाद मार्केट को आपकी जरूरत नहीं रहेगी। उस समय आप क्या करोगे, आपको सोचना होगा दोस्तों कि आज आप जहां पे काम कर रहे हो, क्या आज आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। आज अगर आप टीचर का जॉब कर रहे हो, आज आप लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, क्या आज आप नंबर 1 पोजीशन पे काम कर रहे हो, आपको ये सोचना है। अगर दोस्तों, अगर आप आज के ही कंडीशन में नंबर 1 पोजीशन पे नहीं हो, तो आने वाले 10 सालों में जब मार्केट बहुत बदल जाएगा, उस समय आपका वैल्यू मार्केट में क्या होगा, ये आपको अभी से सोचना होगा। दोस्तों, अगर जिंदगी में अगर आपको नंबर 1 पोजीशन पे आना है, तो 3 चीजें आपको आज ही आपके अंदर इनबिल्ड करनी होगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज सीरियसनेस। आपको आपके लाइफ में सीरियसनेस लाना होगा। जब तक आप आपके काम के प्रति पैशनेट नहीं हो, सीरियसनेस नहीं हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको नॉलेज एक्वायर करना होगा। आज आप जो भी काम कर रहे हो उसका नॉलेज तो आपको होना ही जरूरी है, लेकिन आने वाले 10 सालों में आपको क्या नया करना होगा, इसका भी नॉलेज आपको आप एक्वायर करना होगा। और तीसरी चीज दोस्तों, जो कुछ भी आप काम करते हो उसको कॉन्फिडेंस से करो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को आने वाले समय के लिए अपडेट नहीं करते हो, तो आप आउटडेटेड हो जाओगे और आउटडेटेड जो इंसान होता है उसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज इसलिए आपको बनाया था
कि आप लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि आज आप जहां पे काम कर रहे हो क्या आज आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही मुझे और कुछ मेरे मन में आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का हाल क्या है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और आप क्या कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।